एक बात तो बताओ, योजनाएं तो सभी सरकारें बनाती हैं, लेकिन गहलोत सरकार की योजनाओं में ऐसी क्या खास बात है कि सब जगह उनकी चर्चा होती है? खास तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे खास ये है कि ये जनता जनार्दन के लिए होती हैं और उन तक बकायदा पहुंचाई भी जाती हैं। कभी कभी तो जनहित इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि योजना लागू बाद में होती है, लेकिन उसकी राहत पहले से ही मिलने लगती है। अरे ये क्या बात हुई? अरे हुआ ना अभी। अब देखो, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का आधिकारिक लोकार्पण तो हुआ इस 6 सितंबर को, लेकिन जब किसानों और पशुपालकों को लंपी की मार झेलनी पड़ी तो सीएम ने इस योजना में तय मुआवजा उन्हें 16 जून को ही डीबीटी कर दिया था। तब कितनी राहत मिली थी किसानों को, उन्हीं से सुनो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते अंजन देवी जी। पैसा मिल गया? पैसा मिल गया तुम्हें? मिल गया। मिल गया, बताइए आपको। हाँ। अब क्या करोगे, गाय खरीदोगे वापस? धन्यवाद। नहीं, आप पैसे मिल गया, इस पैसे क्या करोगे आप? नहीं, गाय खरीदोगे या क्या करोगे? नहीं, गाय खरीद के पाएगा। अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया। तो आप कह रहे हैं जगदीश जाट साहब, कहना मेरा नमस्कार कहना अपने पति को, ठीक है? ठीक है। अच्छा, श्रीमती कमला जी बोलो। कमला जी, मेरा नाम कमला है, सिरोही नीम के थाने से हूँ। मैं पशु पालती थी गाय, लंग की बीमारी में गाय मर गई और उसका इलाज भी बहुत करवाए, भी नहीं पूछी। आप 4,000 रुपये दिए हमारे को, हम पशु पालेंगे, पशु पालेंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। पैसे मिल गए ना? पैसे मिल गए आपको, बताइए आप खुश होगी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 सितंबर को भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से कामधेनु पशु बीमा योजना की लॉन्चिंग की। ये देश में पहला मौका है जब कोई सरकार यदि इंसानों के लिए 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा करके दे रही है, तो दुधारू पशुओं का भी 40,000 रुपए प्रति पशु दो पशुओं का मुफ्त बीमा कर रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, अभी लंबी रोग में गाय मर गई थी, आप सबको मालूम है हमने 40,000 रुपए दिए प्रति पशु बालक को। मुझे खुशी है कि मैंने वादा किया था आपसे, महंगाई शिविरों के अंदर कामधेनु योजना, वो दिन आ गया है जब हम लोग घोषणा कर रहे हैं। आज के बाद में आप लोगों के 80 लाख परिवारों को फायदा होगा। बीमा किया जा रहा है गाय का, भैंस का, प्रीमियम सरकार भरेगी, आपको नहीं भरना पड़ेगा, 40,000 का बीमा होगा। ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने 16 जून को लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम में करीब 42,000 पशुपालकों के खाते में डीबीटी से 225 करोड़ रुपए एक क्लिक से भेज दिए थे। तब सीएम ने कहा था कि इस राशि से किसान नया पशुधन खरीदेंगे और उनकी खुशियां लौटेंगी। उनकी ये बात 100% सच साबित हुई। और लंपी रोग में 40,000 रुपए किसी को उम्मीद नहीं थी। हमने टीकाकरण भी संकल्प ले रखा है, सब गायों का टीकाकरण कराएंगे, लगातार चल रहा है। पर लंपी रोग में जो गाय बच गई, करीब 41,900 पशुपालकों को, बाकी का भी खाता कंफर्म कर रहे हैं, खाते नंबर वगैरह 11,000 बच जाएंगे, उसको अगले 7-8-10 दिन में उनको पैसा मिल जाएगा। आज मैं अभी आपके सामने 41,900 पशुपालकों को 175 करोड़ रुपए बड़न दबाते ही 3-4 मिलियन के पैर पैसा पहुंच जाएगा। गोवंश संरक्षण के लिए राजस्थान में जो काम हुए हैं वे बेमिसाल हैं। मसलन अलग से गोपालन विभाग बनाना, नई गौशालाएं, नंदीशालाएं खोलना, उनका अनुदान बढ़ाना, प्रदेश के डेयरी संयंत्रों का तकनीकी उन्नयन और क्षमता संवर्धन, दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर 5 रुपए की सब्सिडी देना वगैरह वगैरह, ये ऐसे कदम हैं कि हमारे पशुपालकों ने आज राजस्थान को दूध उत्पादन में देश में नंबर 1 बना दिया है। इस बारे में मुख्यमंत्री कहते हैं, और आपको तो मालूम है कि राजस्थान आज देश में नंबर 1 हो गया है दूध के उत्पादन के अंदर। कैसे हो गया है आप सबको मालूम है, हमने जो प्रोत्साहन दिया पशुपालकों को, 5 रुपए दिया प्रति लीटर, बोनस दिया किसानों को, आप सबको मालूम है। हमने जैसे बीमा, मैंने कहा आपको, उनके लिए फ्री दवाएं, फ्री इलाज किया हुआ है। इस प्रकार से जो फैसले किए गए हैं उसका परिणाम आज हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं, अब हम गाँव का बीमा भी कर रहे हैं। पहला राजस्थान राज्य जिसने हमने गायों का अलग बनाया, निदेशालय बनाया। इनको ही बहुत इस बात का एहसास है, गौशालाओं के प्रबंधकों को एहसास है
पहले राज्य राजस्थान बन गए जिसने गायों के लिए भी हम लोगों ने बनाया, निदेशालय बनाया, फिर सरकार ने उसको विभाग बना दिया। हमने 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं हम लोग राजस्थान के अंदर, गौशालाओं को दे रहे हैं, नंदीशाला को दे रहे हैं, 9 महीने का 12 महीने का अनुदान दे रहे हैं। नंदीशाला कोई बनाएगा कि पशु जो खेती का नुकसान कर देते हैं, कोई धनी धोनी होता नहीं उनका, कोई नंदीशाला बनाएगा तो 1,56,00,000 रुपए हम दे रहे हैं प्रति पंचायत जो एनजीओ आएगा उनको। इस प्रकार के क्रांतिकारी फैसले सरकार ने किए हैं। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया गहलोत सरकार के नवाचारों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि किसानों और पशुपालकों को जो राहत मिली है इससे प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ेगी। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार का सपना और जो आपके आशीर्वाद से सरकार बनी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और जो वादे और जो जनता की आशाएं थी उन आशाओं के अनुरूप राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने किसानों की सुधली, पशुपालकों की सुधली, नई तरह का माहौल पूरे राजस्थान में गोवंश को बचाने का बना है। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर यदि गोवंश को बचाने का काम किसने किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया। और आप सबको मालूम भी है आज लंपी के अंदर किसी भी पशुपालक भाई की गौ माता की मृत्यु हो गई, जब मुख्यमंत्री जी को इस बात का पता चला कि ये संख्या हजारों की तादाद में है तो मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग करी, पूरी चर्चा की। और मैं तो खुद आपको कह सकता हूँ मुझे ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि देश में कहीं ऐसा का वातावरण था ही नहीं, कोई राज्य इसमें सोच ही नहीं रहा था कि किसी पशुपालक के गोवंश की मृत्यु हो जाए और उसको आर्थिक रूप से मदद देने के लिए 40,000 रुपए उस गोपालक को दिए जाए, ये केवल मुख्यमंत्री जी की सोच थी। बात तो सही कही आपने, क्योंकि मुझे याद आया अभी जो जनसम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट चल रहा था ना, उसमें भी कई लोगों ने ऐसे वीडियोस डाले जिनमें राहत और खुशी की बात थी, जैसे कि ये सुनो। के बात हो इतना उदास के बैठे हो? अरे के बताओ भैया, मार तो गाँव हो रही है बीमार, ये गाँव को दूध बेच बेच के हमारे घर खर्चो चलाता, आई बीमार हो रही है, खर्चो चलना ही मुश्किल हो रही है। अरे तो गाय बीमार होगी तो उदास क्यों होता है जी, आपनी गलो सरकार है नी। अरे नहीं रे भैया, आपने इंसान की तो सब कोई सोचा है, पर आप बेजुबान पशुओं की कौन सोचा है आपना की? सोचा है ताई जी, आपनी गलो सरकार आप पशुओं की भी सोचा है, आप वास्ते मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना चलाई है। हाँ क्या योजना है? अरे ताई जी, ई योजना का मायने कोई भी दुधारू पशु का करंट लाग जा, बीमार हो जा या फिर वांगी दुर्घटना से मृत्यु हो जावे तो बांके लिए 40,000 रुपया को बीमा देवे सरकार, एक पशु हो तो 40,000 और दो पशु हो तो 80,000 रुपया को बीमा देवे सरकार। मेरे भी गांव में 2 भैंसे हैं, पापा जी ने महंगाई रात कैंप में रजिस्ट्रेशन कराया था तो दोनों भैंसों का 40,000 का बीमा हो गया। अब सारे घर वाले खुश और जिनको राहत मिली उनके तो कहने ही क्या। पूजा शर्मा आप? हाँ, आप हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, आज हमारे को इतना लाभ मिला इस योजना से कि हम बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। बहुत बढ़िया, पैसा पहुंच गया आपको? पैसा पहुंच गया? हाँ पहुंच गया। तो गाय खरीदोगे ना आप? हाँ। गाय है पहले की आपकी? हाँ गाय है, अभी है, एक गाय है, एक गाय और हो जाएगी आपके? हाँ, तो और लेके आएंगे। दुर्गा देवी जी। राम राम सर। राम राम। तो सर ये बात है कि हमारी गाय ना लंपी के रोग से खत्म हो गई। पैसा मिल गया आपको? हाँ मिल गया साहब। ठीक है, बहुत बढ़िया, गाय खरीद लो, नई गाय हाँ, खरीद लो बाप, ठीक है ना? हाँ ठीक साहब, धन्यवाद आपको, आपके परिवार को। तो आइए हम सब भी भागीदार बने इनको मिली पशुधन सुरक्षा की खुशी में। सुजस आवाज राजस्थान में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।